अगर आप लोग लाहौर से और अपनी गाड़ी का ऑनर व्यू हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो अभी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरे साथ रब्ता करें। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शराज है और आप लोग देख रहे हो शराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सुजुकी कल्टस के बारे में। बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नई सुजुकी कल्टस कैसी होने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में जो सुजुकी कल्टस चल रही है उसकी अभी फर्स्ट जनरेशन है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कैसे होगी, पाकिस्तान में तो इससे पहले भी सुजुकी कल्टस चल रही थी तो ये फर्स्ट जनरेशन कैसे है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि नई सुजुकी कल्टस कैसी होने वाली है तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सुजुकी कल्टस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरेशन के बारे में कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी फर्स्ट जनरेशन चल रही है, सेकंड जनरेशन अभी आएगी। तो बात कुछ यूँ है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सुजुकी कल्टस जो भी पाकिस्तान में चल रही है इसको कहते हैं सुजुकी सिलेरियो। ये इंडिया के अंदर भी काफी फेमस गाड़ी है। तो ये जो सुजुकी सिलेरियो है ये 2014 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 2017-18 के अंदर आई थी। तो इंडिया के इस गाड़ी की ये फर्स्ट जनरेशन थी। तो इसलिए इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि अभी फर्स्ट जनरेशन चल रही है तो अभी सेकंड आने वाली है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो सुजुकी कंपनी है उसने सुजुकी सिलेरियो की सेकंड जनरेशन को तैयार कर लिया है और तकरीबन पिछले साल दिवाली से वो इस गाड़ी को लॉन्च करने का सोच रहे थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस काफी फैला हुआ था तो गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई। तो अभी खबर आ रही है कि अगले महीने 10 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, सुजुकी सिलेरियो की सेकंड जनरेशन। आप लोग स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये इंडिया के अंदर जो न्यूज वेबसाइट है कार्स के मुताबिक उन्होंने शेयर की हैं। आप लोग ये पिक्चरों से अंदाजा तो लगा रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो सुजुकी कल्टस चल रही है ये उससे तो काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। तो यही होने वाला है, इंडिया के अंदर भी वही जनरेशन चल रही है जो कि पाकिस्तान में चल रही थी। लेकिन ये जो आप लोगों को डिजाइन नजर आ रहा है अभी 10 नवंबर के बाद शायद जो गाड़ी है वो आप लोगों को मुख्तलिफ नजर आए। सुजुकी कल्टस के भी जो पाकिस्तान में जनरेशन चल रही है उसका डिजाइन देखेंगे तो वो काफी खूबसूरत है, लेकिन उसका डिजाइन जो सुजुकी आल्टो और जो सुजुकी की वैगन है उससे काफी मिलता जुलता है। मतलब टाल बॉय भी है और साथ साथ एक डब्बा भी लगती है। तो अभी जो ये नई जनरेशन होने वाली है इसका डिजाइन मुख्तलिफ होने वाला है। तो आप लोग स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग को ये लग रहा होगा कि शायद ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर जीप बनूंगी। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जो डिजाइन है वो काफी जीप से मिलता जुलता नजर आ रहा होगा साइड प्रोफाइल से। फ्रंट के अंदर कहा जा रहा है कि आप लोगों को ग्रिल भी मुख्तलिफ मिलेगी, आप लोग स्क्रीन पे उसकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। और गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह वो पहले की तरह हैलोजन नहीं होंगी, गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स नहीं होंगी। गाड़ी का जो बैक डिजाइन है उसकी लाइट्स को भी चेंज किया गया और डिजाइन भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ओवरऑल ये गाड़ी का यूनिक डिजाइन के साथ आने वाली है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को तो ये डिजाइन पसंद नहीं आएगा, पर्सनल तौर पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो डिजाइन के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो कहा जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर इंजन भी चेंज किया जाएगा, जो नया इंजन होगा उसके अंदर तकरीबन 1 हॉर्स पावर ज्यादा होगी और जो टॉर्क है वो भी तकरीबन 4 न्यूटन मीटर ज्यादा होगी। और इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि इस गाड़ी का जो साइज है वो भी ज्यादा है, मतलब इस गाड़ी की लेंथ और विड्थ ज्यादा रखी गई है। तो पहले भी ये गाड़ी काफी स्पेशियस थी लेकिन अभी इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को और ज्यादा जगह मिलने वाली है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो अगर ये गाड़ी इंडिया के अंदर इस साल वाकई में लॉन्च होगी, मतलब जो कहा जा रहा है कि अगले महीने लॉन्च हो रही है, तो पाकिस्तान में आप लेके चलें कि ये गाड़ी 2022 के एंड तक आएगी या फिर 2023 के शुरू में आ जाएगी। 1-1.5 साल तो इस गाड़ी को पाकिस्तान में आने में लगेगा ही लगेगा। वैसे तो फिलहाल पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस काफी ज्यादा सेल हो रही है तो सुजुकी कंपनी को कोई भी टेंशन नहीं है कि वो गाड़ी की नई जनरेशन को पाकिस्तान में लाएं। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों के ख्याल में सुजुकी कल्टस का डिजाइन कैसे है, कि आप लोगों को इस गाड़ी का डिजाइन पसंद आ रहा है या फिर नहीं आया। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये था आज का वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।